तमिलनाडु में स्टालिन सरकार और गवर्नर के बीच टकराव चल रहा है। कई बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस बार सीजेआई की बेंच ने तमिलनाडु के राज्यपाल को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु की सियासत में उठा बवाल शांत होता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु सरकार और गवर्नर के बीच का टकराव लगातार बना हुआ है। सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव के कारण तमिलनाडु सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे डीएमके नेता पोनमुड़ी की मंत्री पद की शपथ पर संकट दिखाई दे रहा था। राज्यपाल पोनमुड़ी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की जोरदार फटकार के बाद तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने यू टर्न मार लिया है और वो पोनमुड़ी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल पोनमुड़ी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और उनका मंत्री पद भी चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई। जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल से पोनमुड़ी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल पोनमुड़ी को शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस पर हैरानी जताते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि पोनमुड़ी की दोबारा नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी, और उन्होंने राज्यपाल के आचरण को चिंताजनक बताया। कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्यपाल ने भी अपना फैसला बदल दिया और पोनमुड़ी को शपथ लेने का न्योता भेजा। पोनमुड़ी ने शुक्रवार 22 मार्च को दोबारा मंत्री पद की शपथ ले ली। अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी ने आज सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर के बदले रुख की जानकारी दी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।